So, looking at education law in Pakistan, we also see the quality of education, and there is an emphasis that the quality of education, uniform syllabus, and curriculum across the country must be established. सो एक विश नज़र आती है कानून के तहत कि तमाम मुल्क के अंदर जो सिलेबस है और एक तरह का यूनिफॉर्म जो सिलेबस है और उसके अलावा जो करिकुलम है इस सारे को पूरे मुल्क में लागू किया जाए. लेकिन प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट्स हैं वो सिलेबस और करिकुलम जो है उसके मामले में वेरी करती हुई नज़र आती हैं. एज़ वी ऑल नो कि कानून में अमेंडमेंट के बाद जो एजुकेशन है वो अब एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया गया है. सो प्रोविंसेस जो हैं वो अपने निसाब और अपनी चीज़ों को लागू करने में अब खुद मुख्तार नज़र आते हैं. एंड अबाउट द प्राइवेट स्कूल स्टेटस, कोई भी स्कूल जो स्टेट का है उसके अलावा अगर कोई स्कूल भी इस्टेब्लिश किया जाता है तो फिर उसको सर्टिफिकेट हासिल करना होगा उस प्राइवेट स्कूल को अपनी लोकल अथॉरिटीज़ से. सो फॉर दैट दे हैव टू इंश्योर दैट दे विल बी प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन. सो कानून में ये शिक मौजूद है कि प्राइवेट स्कूल्स को अपनी लोकल अथॉरिटीज़ को सेटिस्फाई करना होगा इस लिहाज से कि वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है उसको मेंटेन रखेंगे और उन तमाम सहूलियात के तहत जिसे स्टेट रिकग्नाइज करती है इस्टेब्लिश करेंगे कोई भी तालीमी इदारा. And then private institutions are also bound by law to reserve 10% quota for poor children. और गरीब बच्चों के लिए जो 10% कोटा है उसको रखने के लिए ये कानूनन स्कूल जो हैं उन्हें फॉलो करना पड़ेगी ये बात, क्योंकि स्टेट ने इसके ऊपर कानून साजी कर रखी है. एंड अबाउट इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, जो माँ बाप बच्चों को रिफ्यूज़ करें स्कूल भेजने से और स्कूल न भेजें तो उनको पेनल्टी है 25,000 रुपीज़ की, यानी 25,000 रुपये की, एंड 3 months इम्प्रिजनमेंट और 3 माह की जेल जो है ये भी कानून में मौजूद है. एंड अबाउट चाइल्ड लेबर, एड्रेसिंग द इशू ऑफ चाइल्ड लेबर, इसी बिल में जब चाइल्ड लेबर की बात की गई तो इट इज़ स्टेटेड दैट पीपल हु वुड एम्प्लॉय द चिल्ड्रन फॉर लेबर वुड बी फाइंड विद द पेनल्टी ऑफ 50,000 रुपीज़ एंड 6 months इम्प्रिजनमेंट. सो चाइल्ड लेबर को डिस्करेज किया गया और बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब करने के लिए चाइल्ड लेबर जो है पाकिस्तान में वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम नज़र आती है, बिकॉज पेरेंट्स जो पुअर हैं दे वॉन्ट देयर चिल्ड्रन टू अर्न फॉर दैम एंड ऑन दी अदर हैंड पीपल गेट सर्वेंट्स ऑन अ चीपर रेट. सो इसको रोकने के लिए 50,000 रुपये का फाइन और 6 माह की जो जेल है इम्प्रिजनमेंट है उसको भी कानून में रखा गया है. एंड फाइनली अबाउट होम स्कूलिंग, अगर हम इस सारे परस्पेक्टिव में होम स्कूलिंग को देखते हैं तो होम स्कूलिंग के बारे में टू डेट कोई कानून मौजूद नहीं है और होम स्कूलिंग को ना ही प्रमोट किया जा रहा है और ना ही डिस्करेज किया जा रहा है और किसी भी लॉ के तहत पाकिस्तान में उसको रेगुलेट नहीं किया गया.